नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन गौतम, जिला सर्विलेंस अधिकारी IDSP बरेली। आज हमारे यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव केस आया है। ये परसों हमारे यहाँ एडमिट हुआ था 27 मार्च को। 27 वर्षीय युवक है और इसकी नोएडा से संपर्क की हिस्ट्री थी। इसकी हिस्ट्री से ज्ञात हुआ कि इसकी जो फैक्ट्री के ओनर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनके संपर्क में था। उसी बिना पे हम लोगों ने इसको हल्के फ्लू लाइक सिम्टम्स से अपने यहाँ एडमिट किया था। परसों आइसोलेशन वार्ड में सैंपल लिया था, मॉर्निंग में 8:30 पर इसकी रिपोर्ट मिली है। मरीज स्थिर है और कोई घबराने की बात नहीं है। हम लोग आइसोलेशन वार्ड में पूरा उसका ख्याल रख रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम पूरा उसका ख्याल रख रही है। कम्प्लीटली आइसोलेट किया गया है। उसके जो प्रत्यक्ष कॉन्टैक्ट में है, पेरेंट्स हैं या जिन जिन के वो संपर्क में आया, उसको हम लोग बहुत जल्दी ट्रेस कर रहे हैं और उनको भी हम लोग सेफ क्वारंटीन करेंगे। मेरी आप सभी जनपद वासियों से ये प्रार्थना है कि आप अनावश्यक पैनिक ना हो। अगर आप पैनिक होंगे तो लोगों को मैनेज करना मुश्किल होगा। आप लोग घर में रहिए। ये लॉकडाउन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके महत्व को आप समझेंगे, आपको समझना चाहिए कि आप जितना घर में रहेंगे सेफ रहेंगे और अपने परिवार को सेफ रखेंगे, दूसरों को सेफ रखेंगे। यदि आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी है, छींक आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में सूचना दें, इन्फॉर्म करें और मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ धोएं, घर में अनावश्यक लोगों का प्रवेश। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। समय समय पर अपनी खबरों के जरिए हम आपको आगाह करते रहते थे कि घर से मत निकलिए, कोरोना वायरस को मामूली मत समझिए। और हमें ये बताते हुए बड़ा अफसोस भी हो रहा है अपने चैनल के जरिए कि बरेली से कोरोना वायरस का यूपी में पहला केस रिकॉर्ड हुआ है और ये केस बरेली के सुभाष नगर में मंदिर वाली गली के पास का है। जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई है वह नोएडा में फायर विभाग में क्लरिकल स्टाफ में है, अच्छी पोस्ट पर है। बताते हैं 22 तारीख को उसका सैंपल लिया था नोएडा से बरेली आने के बाद, उसमें लक्षण कोरोना वायरस के थे और अब कहीं जाकर सुबह उसकी रिपोर्ट आई है। नोडल अधिकारी कोरोना वायरस के ACMO डॉक्टर रंजन गौतम ने बाकायदा फेसबुक के जरिए भी पैगाम दिया है आपसे फिर से, और साथ ही पुष्टि भी इस बात की है कि अमुक व्यक्ति में जो नोएडा से आए थे, फायर ब्रिगेड विभाग से ताल्लुक रखते थे, उनको कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हो गई है। ये पहले केस की पुष्टि हो गई। साथ ही अपील भी लगातार की जा रही है, आप घर में रहिए। यही नहीं, पुराने शहर में लखनऊ रोड पर होटल ताज पैलेस के बरेली के ठीक बगल वाली पूरी गली सील कर दी गई है और यहां भी बताते हैं 2-3 लोग बाहर से आए थे, उनके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं, जिसके शक के आधार पर उनके सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं लखनऊ की। रिपोर्ट अभी आई नहीं है। फिलहाल सेहत महकमे के लोगों ने इस पूरी गली को सील कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है, आशा बहनों को दौड़ाया जा रहा है, अपने अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों की लिस्ट बनाए, उसकी खबर तुरंत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दें, जिससे उनकी जांच की जा सके और यह तय हो सके कि अब बाहर से आए व्यक्ति में कोरोना के लक्षण नहीं है। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं इस खबर में कि दिल्ली और नोएडा की तरफ से पैदल पैदल हजारों लोग चल पड़े हैं, जो बरेली में जगह जगह पहुंचे हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको बरेली के समाज सेवी संगठन और लोग चेहरे पर मास्क लगाकर उनको खाने के पैकेट दे रहे हैं। बरेली में पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन की पत्नी और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन ने भाभी जी किचन का किचन भाभी जी की रसोई नाम से एक प्रकल्प शुरू कर दिया है, जो पका पकाया भोजन लोगों के पास, जरूरतमंदों के पास पहुंचा रहा है। ऐसे तमाम संगठन अब भूखे प्यासे लोगों की मदद के लिए निकल आए हैं। वहीं दूसरी तरफ खौफ जगा है बरेली में पहला केस कोरोना वायरस का मिलने से। लोग दुआएं कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं। मस्जिदों में नमाज स्थगित कर दी गई है। IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान
और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी IMC के प्रदेश प्रभारी जुनैद रजा खान ने भी आपसे अपील की है और कौमी लोगों से इल्तजा की है, आप दोनों हजरात ने, दोनों लोगों ने, कि मस्जिदों में जुमे की नमाज सामूहिक रूप से अदा ना करें, घर में ही रहें, क्योंकि ये कोरोना का वायरस बहुत पास से लोगों को संक्रमित कर सकता है करीब खड़े होने से। दोनों लोगों की बातें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस खास खबर में। क्या बोले हैं मौलाना तौकीर रजा खान, क्या बोले हैं जुनैद रजा खान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार जब दरगाह शरीफ पहुंचे हैं तो दरगाह से जुड़े लोगों ने क्या भरोसा दिलाया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और ये आला हजरत जी का परिवार ऐसा परिवार है विश्व में इसकी अपनी अलग पहचान है, तो आपकी दुआएं रहे पूरे विश्व में, पूरी जनता के लिए, देश दुनिया की। और हमें लगता है कि इन सारी बातों से ही, और हमको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जाइए अपने जिले में, आपके बहुत अच्छे स्थान है, मिलिए उनसे और उनसे कहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि भाई इस काम में ये ऐसा समस्या सामने आ रही है, इसका इसके अलावा कोई और इलाज नजर नहीं आता, और जब आप कहेंगे तब लोग इस बात पर अमल भी करेंगे, घर से भी नहीं निकलेंगे, घर के अंदर महफूज रहेंगे, और ये कुछ दिनों की ही बात है। कोई ऐसी सूरत करो कि इस वक्त दिखावे वाली इबादत रही, दिखावे वाली इबादत नहीं, इस वक्त सिर्फ दिल से इबादत की जरूरत है, अपने रब को किसी सूरत से राजी करो, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वरना मैं ये कहता हूं, अगर लापरवाही की गई तो खुदा ना करे, लेकिन मुझे आसार ऐसे दिख रहे हैं कि लाशें उठाने वाले मैसर नहीं आएंगे, किरणों से अगर लाशें उठाना पड़े इससे बेहतर है कि मोहतात हो जाओ, एहतियात कर लो और अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने घर वालों की हिफाजत करो। मुझे अगर खुदा ना करे ये वायरस लग जाता है तो ये वायरस मेरे लिए हलाकत का सबब बनेगा, ये अलग बात है, लेकिन मेरे अहले खाना के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे शहर के लिए ये घातक होगा। इस जानलेवा चीज से हमें ऐसे ही डरना चाहिए जैसे शेर से हम डरते हैं। और इस वक्त हुक्म है ना कि अगर मस्जिद के दरवाजे पर शेर बैठा हो तो खुद फैसला लो, किसी मुफ्ती का इंतजार मत करो कि वो फैसला जारी करेगा और वो हुक्म जारी करेगा, आप खुद फैसला कीजिए कि हमें शेर के खतरे से अपने आप को बचाना है, उसके नुकसान से अपने आप को बचाना है, खुद फैसला कीजिए कि उस वक्त आप जुमे की नमाज मस्जिद में जाके अदा करोगे या घर में जोहर अदा करोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद रजा खान, प्रदेश प्रभारी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल उत्तर प्रदेश। आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और बच्चों, जैसा कि आप लोग वाकिफ़ हैं कि आजकल पूरी दुनिया करोना वायरस से मुब्तला है, और ये वायरस बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है, जिससे कि रोज़ हज़ारों लोग मुतासिर हो रहे हैं और कईयों की जानें जा रही हैं। पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेते हुए ये करोना वायरस हिंदुस्तान में भी अपने पैर पसार चुका है, तो आप सब से मेरी ये गुजारिश है कि बराए करम बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें।